नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा रिज्यूम कैसे बनाते हैं, यदि आप एक नया रिज्यूम बनाना चाहते हैं और किस ऐप से बनाना है, कैसे आपको बनाना है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो पे दूंगा और बताऊंगा कि रिज्यूम को कैसे आप बना सकते हैं। ये देख सकते हैं आपको रिज्यूम किस चीज़ में चाहिए और कैसे चाहिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपका शो करने लगेगा, कुछ इस तरह से आपका रिज्यूम बनेगा। तो चलते हैं और बताते हैं। सबसे पहले आपको मैं उस ऐप्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन से ऐप है जिससे आप रिज्यूम को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। यदि आप नए हैं और आप रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको होम पे आना है अपने फ़ोन पे। होम पे आने के बाद आपको प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको यहाँ पर से सर्च करना है। आपको सर्च करना है रिज्यूम PDF मेकर करके। तो आपको जैसे सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे इसमें आपको इंस्टॉलेशन का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। मैंने इसको पहले इंस्टॉल करके रखा है। तो ये देख सकते हैं ये आपका ऐप रहेगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले आपका कहाँ पास आएगा, यहाँ पास आएगा। यहाँ पास आने के बाद आप देख सकते हैं जैसे एक मैंने बना के रखा है, तो इस तरह से आपको भी बनाना है। तो यहाँ पर से आपको जो प्लस का चिन्ह ये दिख रहा है, प्लस के चिन्ह में आपको क्लिक करना है। प्लस के चिन्ह पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले इंटर प्रोफाइल नेम पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया है। नाम डालने के बाद यहाँ पर से मैं इसको ऐड कर दूँगा। ऐड करने के बाद देख सकते हैं मेरे इसमें दो का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर मैं एडिट में क्लिक करूँगा। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पहला आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या आपने कभी चाहा है कि आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर से देख सकते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर से मिलेगा। पहले आपको यहाँ पर से नाम डालना पड़ेगा। तो नाम यहाँ पर से मैं डाल देता हूँ। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर फ़ोन डालना है, ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर से आप देख सकते हैं मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ। और तो यहाँ पर से मैं इसको डाल के मैं आपको बता देता हूँ कैसे फ्लिप करना है और कैसे आपका यहाँ पर से रिज्यूम बन जाएगा। तो यहाँ पर ईमेल आईडी आ गया। यहाँ पर रिज्यूम रिलायंस डालना है तो रिलायंस में आप डाल सकते हैं, नाम डाल दें। फिर यहाँ पर आपका कोई भी लिंक हो तो यहाँ पर से कर दें। और यहाँ पर से आप उसको फ़ोटो अपलोड करना है तो ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट गैलरी पे आ जाएगा। यहाँ पर से तो यहाँ पर से गैलरी में आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर से हो जाएगा। और जैसे ही आप बैक करेंगे सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद ऑब्जेक्ट इसमें आप आएंगे तो आप यहाँ पर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आपको जो डालना हो तो आप यहाँ पर से उसको डाल सकते हैं। और उसको यहाँ पर से डालने के बाद प्लस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं इतने आपको बताएगा कंपनी का और जिस चीज़ में आपको सेलेक्ट करना है, जिस चीज़ का आप वर्क कर रहे हैं या फिर आप कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर से मैं एक कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर से आपको यहाँ पर से मैंने डाल दिया और यहाँ पर से सेलेक्ट हो गया है। फिर इसके बाद स्किल्स में आना है तो स्किल्स में आप आएंगे तो प्लस के चिन्ह में क्लिक करेंगे। स्किल में आपको जो आती हो यहाँ पर से आप डाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर से डाल देता हूँ तो यहाँ पर से मैंने इसको डाल दिया है। और भी प्लस में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर से और भी ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसके बाद एक्सपीरियंस का ऑप्शन है तो एक्सपीरियंस में आप आएंगे तो एक्सपीरियंस में क्लिक करेंगे तो आप जिसमें कर रहे हैं और जिसमें कर चुके हैं उसको आप यहाँ पर से डालना है। तो यहाँ पर से मैं कर देता हूँ। और इसके बाद क्या था, किस चीज़ में था, आप उसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पर से मैं इसमें डाला हूँ। इसमें डेट डालना है आपको और कब से कब तक किए आप, यहाँ पर से आपका किस चीज़ में था, किस में आप करते थे वहाँ पर कर देना। इसके बाद बैक करेंगे तो आपका स्किल में सेव हो जाएगा, एक्सपीरियंस में भी। और फिर इसके बाद आपका प्रोजेक्ट तो जाता प्रोजेक्ट में आप आएंगे तो प्रोजेक्ट में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह आएगा। प्लस के चिन्ह में आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट नेम हो गया, रूल्स हो गया और डेट, साइज और प्रोजेक्ट डिटेल। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट डिटेल पूरा डालना है कि आपका प्रोजेक्ट कॉलेज में क्या था और किस चीज़ में आपने प्रोजेक्ट में किया था। फिर इसके बाद आपका आता है एजुकेशन में। एजुकेशन में आप आएंगे तो एजुकेशन में आप देख सकते हैं कि कोर्स आपने क्या किया, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ किया है, आपका स्कोर कितना था और कौन सी ईयर में कम्प्लीट आपने किया है। इसमें प्लस करके और भी आप इसमें सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर से आएगा एडिशनल पर्सनल में आप आएंगे तो यहाँ पर से देख सकते हैं आपका एड्रेस हो गया, लॉन्गेज हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, वेबसाइट हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया
और यहाँ पर से आपको रीजनल कौन सा ये सब कुछ आपको डालना है, पासपोर्ट वगैरह मेल फीमेल और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह के आपको यहाँ पर से पूरा फ्लिप करके आपको कर देना है। फिर इसके बाद आपको सिग्नेचर के लिए, तो सिग्नेचर के लिए आपको यहाँ पर आएंगे तो सिग्नेचर आपको जैसे डालना है तो यहाँ पर से क्लिक करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ से अपलोड कर देंगे तो यहाँ से भी अपलोड हो जाएगा और आपको यहाँ पर से अपलोड करके सेव कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर से आपका रिज्यूम हो जाएगा। यहाँ पर मैनेज करने के लिए आपको देख सकते हैं नीचे भी आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, रेफरेंस वगैरह के, सर्टिफिकेट वगैरह का क्या कैसा है, यहाँ पर से आप उसको ऐड यहाँ से कर सकते हैं और भी चीज़ों को। और यहाँ पर से आप बैक करेंगे, बैक करने के बाद आपको जो रिज्यूम होगा तो रिज्यूम कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो मैंने एक रिज्यूम बना के दिखाया हूँ। तो यहाँ पर आप व्यू में क्लिक करेंगे तो व्यू करना है आपको, तो यहाँ पर से देख सकते हैं आपका व्यू करने के लिए आपको यहाँ पर से करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर से दिख जाएगा। नाम डला होगा, फ़ोटो होगा, ईमेल एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पर आपका डला रहेगा और पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर से रहेगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन से ही रिज्यूम को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपको अगले वीडियो पर।